सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले का वाल्मीकि समाज समर्थन कर रहा है और आज ये धन्यवाद ज्ञापित करने भी जा रहे हैं। हम पंकज वाल्मीकि जी हमारे साथ में मौजूद हैं अखिल भारतीय वाल्मीकि मंच से। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आप स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद देने जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SC ST उपवर्गीकरण के पक्ष में, हम उस पक्ष में कलेक्ट्रेट में जाएंगे और ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम सर्वोच्च न्यायालय के, धन्यवाद के लिए। वाल्मीकि जी, एक बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, कई समाज जैसे आपका समाज है वो इसका स्वागत कर रहा है, लेकिन कई समाज इसका विरोध कर रहे हैं। सर, वो हमसे थोड़ा हमारे भाई हैं, वो उनको विरोध करना नहीं चाहिए। अधिकतर उनको आरक्षण मिलता ही रहा है, 90% आरक्षण उनको मिलता रहा है, हम तो वंचित लोग थे। अब उनको हमारी भी सुध लेनी चाहिए और हमारा सहयोग करना चाहिए। इसमें उनका कोई ऐसी बात है ही नहीं कि हम उनका कुछ आरक्षण में से कुछ अलग से हमको मिल जाएगा। हम हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहना चाहिए, उनको भी हमारा सहयोग करना चाहिए इसमें। पंकज जी, एक मांग लंबे समय से चली आ रही है, बीच बीच में आरक्षण को लेकर एक मांग ये भी चलती है कि अब आरक्षण का फ़ायदा जिनको भी मिलना चाहिए था उनको मिल चुका है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, आपका इस समाज इस बात से सहमत है कि अब आरक्षण को आर्थिक आधार पर सभी जातियों के लिए कर देना चाहिए? देखो सर, ये तो अभी तो हमारी कंडीशन ये है कि जो भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था संविधान में, जो आरक्षण है वो तो जो वंचित लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, जो जिनके साथ छुआछूत हुआ करती थी, उनके लिए जो आरक्षण था। और हम चाह रहे हैं कि जैसे आर्थिक आधार पे भी आरक्षण जो गरीब लोग हैं और जो वंचित लोग हैं, जो अदर समाज में भी काफ़ी लोग गरीब परिवार के लोग हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। ये थे हमारे साथ पंकज वाल्मीकि जी अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज से। इनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST आरक्षण में जो उपवर्गीकरण किया गया है उसका ये धन्यवाद देने जिला कलेक्टर पे जा रहे हैं, राष्ट्रपति के नाम पे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और अन्य जो समाज के लोग हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, इनका कहना है कि वो भी हमारे ही भाई हैं और उनको भी हमारे साथ आना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि जो शोषित वंचित वर्ग है जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उसे भी अब आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए इस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसका समर्थन करना चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।